पहली जनवरी 1894, उत्तरी कलकत्ता के इसी घर में एक सितारे का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर भौतिक विज्ञान में नए आयाम स्थापित किए और जिसका नाम हमेशा के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम के साथ जुड़ गया। इस बच्चे का नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। उनके पिता सुरेंद्रनाथ बोस तथा माता अमोदनी देवी मध्यम वर्गीय शिक्षित बंगाली समाज का अंग थे। ये है बोस का पैतृक निवास, जहां अब उनकी याद में एक प्राथमिक स्कूल चलाया जाता है। बोस ने पहले सामान्य स्कूल में और फिर हिंदू स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी आरंभिक परीक्षा 1909 में पास की। स्कूल में एक बार उनके गणित शिक्षक उपेंद्र बख्शी ने गणित परीक्षा में 100 में 110 अंक दिए और भविष्यवाणी की कि सत्येंद्र लैपलास और कोशी की तरह एक दिन महान गणितज्ञ बनेंगे। 1905 में सत्येंद्र सिर्फ 11 वर्ष के थे। ये साल बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण था। 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान किया और पूरे बंगाल में विद्रोह की आग भड़क उठी। कई नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन सारी घटनाओं ने मासूम सत्येंद्र के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। स्कूल के बाद सत्येंद्रनाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, जहां पहली बार उनकी मुलाकात मेघनाथ साहा, ज्ञानचंद्र घोष, प्रशांत चंद्र महाला नोबिस, ज्ञानेंद्रनाथ मुखर्जी तथा निखिल रंजन सेन से हुई, जो आजीवन उनके दोस्त बने रहे। यहां उन्हें जगदीश चंद्र बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र रे जैसी महान हस्तियों से ज्ञान मिला। 1913 में भौतिकी में स्नातक की परीक्षा तथा 1915 में संयुक्त गणित में स्नातकोत्तर परीक्षा में उन्होंने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातकोत्तर का उनका अंकपत्र एक यादगार दस्तावेज बना। अंतरिक्ष भौतिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले उनके अभिन्न मित्र मेघनाथ साहा को इस परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 1914 में उनका विवाह उषा बाला देवी के साथ हुआ। 1917 में सत्येंद्रनाथ तथा मेघनाथ को कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने नवनिर्मित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में क्रमशः भौतिकी तथा व्यवहारिक गणित का व्याख्याता नियुक्त किया। वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का जर्मन से अंग्रेजी में रूपांतर किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस रूपांतर को 1919 में एक पुस्तक का रूप दिया, जिसका शीर्षक था द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इस पुस्तक का परिचय ऐतिहासिक था, जिसे प्रशांत चंद्र महाला नोबिस ने लिखा था। बोस के विज्ञान पर प्रकाशित प्रारंभिक आलेखों में कुछ उनके मित्र मेघनाथ साहा के साथ 1918 से 1920 तक साझा रूप से लिखे गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित ढाका विश्वविद्यालय का क्रियाकलाप 1921 में शुरू हो गया था। उसी साल बोस ने ढाका विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में रीडर के पद पर कार्य करना आरंभ किया, जबकि उनके मित्र ज्ञानचंद्र घोष ने रसायन विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया। ये है ढाका का वो घर जो उनका आवास था और जिसे अब तोड़ दिया गया है। 19वीं सदी का अंत तथा 20वीं सदी का प्रारंभ भौतिक विज्ञान के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा। ब्लैक बॉडी विकिरण के गहराई से किए गए अध्ययन ने उलझने बढ़ा दी। ब्लैक बॉडी किसी भी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जब आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो पहले लाल और फिर सफेद हो जाता है। जब इसमें से रोशनी निकलती है तो उसमें इंद्रधनुष की तरह बराबर मात्रा में सभी रंगों का समावेश रहता है। हर रंग में कुछ ऊर्जा होती है। ये वक्र रेखा बताती है कि किस तरह रंगों के बीच ऊर्जा बटी होती है। यह स्पेक्ट्रम है। जब कोई पदार्थ गर्म होकर लाल हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला प्रमुख रंग लाल होता है। तापमान बढ़ाने पर रंग पराबैंगनी की ओर परिवर्तित होता है। समस्या है कि पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार
ब्लैक बॉडी को पराबैंगनी क्षेत्र से अनंत ऊर्जा का विकिरण करना चाहिए। निश्चित रूप से ये सिद्धांत अर्थहीन है, क्योंकि पराबैंगनी क्षेत्र में प्रायोगिक वक्र रेखा दरअसल नीचे की ओर चली जा रही है, लिहाजा प्रयोग तथा परंपरा में स्पष्ट विरोधाभास है। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के मैक्स प्लैंक ने सिद्धांत दिया जो इन प्रायोगिक वक्र रेखाओं की सही व्याख्या करता है। इसमें प्रेरणा के आधार पर अनुमान लगाया गया। इसका पहला भाग पारंपरिक भौतिकी का है, लेकिन दूसरा नहीं। दूसरा भाग वक्र रेखा के नीचे जाने तथा पराबैंगनी विनाश को बचाने की व्याख्या करता है। सवाल था, दूसरे भाग के भौतिकी की किस सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या की जाए? प्लैंक के मुताबिक दूसरा भाग बताता है कि ऊर्जा को तब तक अवशोषित या निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसकी न्यूनतम मात्रा न हो, जिसे क्वांटम कहते हैं। इस प्रकार कोई पदार्थ एक ऊंची इमारत के समान है। अगर आप किसी बॉल को पहले माले तक फेंकना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा यह पहले माले तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप उसे दूसरे माले तक फेंकना चाहते हैं तो आपको दुगनी ऊर्जा खर्च करनी होगी। इसी तरह आगे के उदाहरण हैं। पांचवें माले से गिरने वाले बॉल में 5 गुना कम ऊर्जा होगी। इस सामान्य उदाहरण के जरिए प्लैंक दूसरे भाग की व्याख्या करने में सफल हो सके। क्वांटम क्रांति की दिशा में यह पहला कदम था। 1905 में आइंस्टाइन ने इस क्रांति के दूसरे चरण से परिचय कराया। प्लैंक सिद्धांत के एक बेहतरीन विश्लेषण में उन्होंने दिखाया कि प्रकाश के दूरी तय करने के माध्यम तरंग तथा छोटी गोलियों के समान कण दोनों हैं। आज की तारीख में हम इन्हें फोटॉन्स कहते हैं। उन्होंने साबित किया कि ये तुरंत फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की सटीक व्याख्या करता है। जब प्रकाश धातु पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन होता है। उनकी संख्या प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है। जैसे जैसे प्रकाश नीला होता है उनकी ऊर्जा बढ़ती है। पारंपरिक सिद्धांत में इसकी व्याख्या नहीं थी। प्रसिद्ध तरंग कण द्विविधता सिद्धांत की यह शुरुआत थी। आप इसे किस तरह देखते हैं? तरंगे बिखर कर विभिन्न आकार बनाने में मदद करती हैं, जबकि कण नुकीले होते हैं तथा ऐसे आकार नहीं बनाते। कुछ वैज्ञानिकों ने तुरंत इंगित किया कि आइंस्टाइन की गोलियों के समान फोटॉन्स का सिद्धांत प्लैंक के सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये बात आइंस्टाइन के लिए चौंकाने वाली थी। जो गतिविधि प्लैंक के सिद्धांत का अनुसरण कर रही है वो उसका विरोध कैसे कर सकती थी? आइंस्टाइन के सिद्धांत में ये खामी थी। इस खामी के कारण प्लैंक के नियम के संतोषजनक व्याख्या की कई कोशिशें हुई। स्वयं प्लैंक, डिबाई, आइंस्टाइन, पाउली और आइंस्टाइन तथा एरनफेस्ट सभी ने नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। ये थी भौतिक विज्ञान की स्थिति जब बोस ने ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ाना शुरू किया। शिक्षण में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये सभी सिद्धांत एक आधारभूत तार्किक अशुद्धि का शिकार हैं। प्रत्येक सिद्धांत पारंपरिक सिद्धांत के पहले भाग से शुरू होता था तथा दूसरे भाग तक पहुंचने के लिए विभिन्न तर्क देता था। जल्द ही बोस ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें पहले भाग समेत पूरा प्लैंक नियम क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने सिद्धांत दिया कि फोटोन गोलियों की तरह नहीं है जैसी आइंस्टाइन ने कल्पना की थी, बल्कि काफी हद तक बिखरे हुए हैं, यानी उनकी गणना अलग तरह से होनी चाहिए, न कि गोलियों की तरह। यह सिद्धांत एक नई सांख्यिकी की शुरुआत थी जिसे क्वांटम सांख्यिकी कहते हैं। प्लैंक नियम के नए आयाम पर बोस ने अपना शोध इंग्लैंड के फिलोसफिकल पत्रिका में छपने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तब उन्होंने इसे आइंस्टाइन को एक प्रावरण पत्र के साथ भेजा जिसमें उन्होंने अपने शोध की व्याख्या की और आइंस्टाइन से अपना शोध किसी पत्रिका में छपवाने का अनुरोध किया। आइंस्टाइन इस शोध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं इस शोध का अनुवाद किया और इसे प्रसिद्ध जर्मन पत्रिका लाइट शिफ्ट फ्यू फिजिक में छपवाया।
अपनी टिप्पणी में उन्होंने लिखा कि वो बोस के प्रतिपादित गणना के तरीके को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं और वो भविष्य के शोधों में इस बात का उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार बोस की गणना विधि गैस के अनुकूल है और इस तरह गैसों के क्वांटम सिद्धांत का आरंभ हुआ। आइंस्टाइन की टिप्पणी से उत्साहित बोस 1924 में पेरिस के लिए जहाज से रवाना हुए, जहां वो पूरे एक साल तक रहे। मैडम क्यूरी ने इस आधार पर बोस को अपने साथ नहीं रखा कि उनके प्रयोगशाला में कार्य करने के लिहाज से फ्रेंच भाषा की उनकी जानकारी काफी कमजोर थी। तब बोस ने 6 महीने तक प्रिंस मॉरिस डी ब्रोगले के साथ काम किया, जो प्रिंस लुई डी ब्रोगले के बड़े भाई थे। उस वक्त वो अपने शाही घर के खाली पड़े अस्तबल में एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित कर रहे थे। एक्सरे के क्रिस्टलीय पदार्थ पर पढ़ने से दोनों के बीच परस्पर संबंध के आकलन को क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। प्रोफेसर एसएन बोस ने भारत में एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन दिनों वैज्ञानिक शोध के लिए धन इकट्ठा करना आसान काम नहीं था, लिहाजा उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में यांत्रिकी विभाग की मदद से अपने लिए स्वयं एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान प्रयोगशाला बनाई और कैमरे तैयार किए। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में अपने प्रयोगों के विश्लेषण के लिए कई कैमरे बनाए। 6 महीने बाद जब मैडम क्यूरी को इस बात का संतोष हो गया कि बोस पर्याप्त फ्रेंच भाषा सीख चुके हैं, तो बोस को पेरिस में उनके विश्व प्रसिद्ध रेडियम संस्थान में 6 महीने तक काम करने का अवसर मिला। इससे ढाका लौटने पर बोस को रसायन शास्त्र में महत्वपूर्ण शोध करने में मदद मिली। एक साल बाद वो बर्लिन गए और नवंबर 1925 में आइंस्टाइन से पहली बार मुलाकात की। आइंस्टाइन के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और उस वक्त के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से उनकी मित्रता हो गई। 1926 में वो ढाका लौटे और भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो गए। वापस लौटने पर उन्होंने भौतिक विज्ञान विभाग को मजबूत किया और एक एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया। उन्होंने रसायन विज्ञान विभाग में भी काम किया तथा 1943 तक कई आलेख लिखे। उन्हें ढाका विश्वविद्यालय का संकाय अध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाया गया। ४४ में वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1945 में वो भौतिकी के खैरा प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय लौट आए। संगीत, चित्रकारी तथा साहित्य में उनकी गहन रुचि थी। कवि विष्णु डे, प्रसिद्ध चित्रकार जामिनी रॉय और प्रसिद्ध गायक दलीप कुमार रॉय उनके अभिन्न मित्रों में शामिल थे। बोस की गणना विधि को समझने के लिए हम ये छोटी कटोरियां तथा दो समान दिखने वाले बॉल लेते हैं। इन कटोरियों में हम बॉल को कितने तरह से सजा सकते हैं, मैं इन दोनों को एक में डाल सकता हूं, ये एक व्यवस्था है, या फिर एक ये है, ये दूसरी व्यवस्था है, या फिर मैं इन्हें तीसरे में डाल सकता हूं, इस तरह 3 संभावित विकल्प हैं, या मैं एक यहाँ डाल सकता हूँ और दूसरा वहाँ, ये चौथी व्यवस्था है, या एक यहाँ और दूसरा वहाँ, या फिर पहला इसमें और दूसरा उसमें, ये छठी व्यवस्था है। ये 3 कटोरियों में 2 बॉल की 6 संभावित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पारंपरिक पदार्थ इन बॉल की तरह नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं इस कटोरी में 2 बॉल रखता हूं और उनकी स्थिति बदल देता हूं, तो ये एक नई व्यवस्था होगी। जैसा मैंने दिखाया कि सभी 6 विकल्पों में बॉल की स्थिति बदल देने पर नई व्यवस्था बनेगी, सभी में 2 विकल्पों की संभावना है, लेकिन बोस ने बताया कि प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार ये मानना पड़ेगा
कि बॉल की स्थिति बदल देने से नई व्यवस्था नहीं बनती है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आपको इन बॉल से अलग उदाहरण का पालन करना है। ये पारंपरिक बॉल हैं, लेकिन फोटॉन्स इनसे अलग हैं। अगर आप फोटॉन्स को इस तरह बदलते हैं तो नई व्यवस्था नहीं बनती। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फोटॉन्स पर इस तरह निगाह नहीं रख सकते। ये तभी संभव है जब फोटॉन्स के साथ किसी तरह का तरंग जुड़ा हुआ हो, ताकि आप उसकी स्थिति स्थानीय नहीं बना पाए। दो फोटॉन के तरंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, लिहाजा आपको ये मालूम नहीं होता कि कोई खास फोटॉन कहाँ है। यही बोस की सांख्यिकी का आधार है। अब बोस की सांख्यिकी तथा फर्मी डिराक की सांख्यिकी में क्या फर्क है? देखिए, बोस की सांख्यिकी में आप किसी कटोरी में जितने बॉल चाहें रख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्मी डिराक सांख्यिकी में एक कटोरी में एक से अधिक बॉल नहीं रखा जा सकता। जी हाँ, फर्मी डिराक सांख्यिकी में किसी कटोरी में एक से अधिक बॉल नहीं रखा जा सकता, चाहे वो फोटॉन्स, आयंस, केयंस, डब्ल्यू, जी या हिग्स हों। लेकिन दूसरी ओर एक कटोरी में आप जितने चाहें बॉल रख सकते हैं। ये बोस की सांख्यिकी है। यही कारण है कि जब आप अत्यंत निम्न तापमान पर ठंडा करते हैं तो वो सभी मिलकर एक पदार्थ बन जाते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। आप ये नहीं कह सकते ये फला बॉल है, वो फला बॉल है। नहीं, उस स्थिति में सभी एक बॉल हैं, सैकड़ों हजारों मिलकर एक बन जाते हैं। और इसी स्थिति को बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। कणों की सिर्फ दो स्थिति होती है जो पदार्थ या ऊर्जा बनाती है। बोसॉन्स जैसे फोटॉन्स, पायॉन्स, केयॉन्स, डब्ल्यू, जी, हेलियम, अणु इत्यादि, और फर्मियॉन्स जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स आदि। 1924 के बाद से दिए जाने वाले अधिकतर नोबेल पुरस्कारों का आधार बोस के किए हुए महत्वपूर्ण कार्य थे। अब चलते हैं मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जहां की प्रयोगशालाओं में बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, सुपर फ्लुइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी पर शोध चल रहे हैं। TIFR के लेजर कूलिंग प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। ये चुंबकीय प्रभाव तथा शून्य चैम्बर का क्षेत्र है, जहां हम अणुओं की गति धीमी कर उनका अनुसरण करते हैं। हालांकि इस कार्य के लिए हमें भारी भरकम प्रकाशीय उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम उपकरणों पर लेजर लाइट देते हैं। आप यहाँ जिन उपकरणों को देख रहे हैं, जब हम उन्हें रोशनी के प्रकार, उनके केंद्र, उनकी बारंबारिता इत्यादि के मुताबिक डिजाइन करते हैं, तो अणु इन रोशनी को बेहद असरदार तरीके से अवशोषित कर लेते हैं। इनमें लेजर लाइट उत्पन्न होती है, जिन्हें इन प्रकाशीय उपकरणों के जरिए भेजा जाता है। उनकी बारंबारिता सुनिश्चित की जाती है, जिसके बाद वो शून्य चैम्बर में जाते हैं और अणुओं के साथ मिलते हैं, उन्हें ढकेलते हैं, उनकी गति धीरे करते हैं और हम उनका अनुसरण करने में सफल होते हैं। उन अणुओं के जरिए हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट उत्पन्न करने में सफल होते हैं। इस उपकरण को डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हम सुपर फ्लूइड हीलियम 4 के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। आवेश के लिहाज से हीलियम 4 तटस्थ होता है और वो चक्कर नहीं लगाता। 2.1 केल्विन पर वो सुपर फ्लूइड में परिवर्तित हो जाता है। सुपर फ्लूइड में ये परिवर्तन बोस कंडेंसेशन के कारण होता है। बोस कंडेंसेशन पूरी स्टिंग मान्यता के साथ सिर्फ बोसॉन्स कणों के साथ होता है। हम इसे तरल नाइट्रोजन के साथ सुपर कंडक्टर में डुबाते हैं। तरल नाइट्रोजन सिरेमिक पदार्थों को शून्य से 190 डिग्री कम तक ठंडा करता है और फिर पूरी व्यवस्था में सुपर करंट प्रवाहित करता है। इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ा बनाते हैं और फिर बोसॉन्स पर इकट्ठा होकर बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट उत्पन्न करते हैं, जो बिना किसी प्रतिरोध के गतिशील होता है। वो करंट विशाल चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होता है, जिससे चुंबक उतराते हैं। 1960 में जब कण भौतिकी का मानक नमूना विकसित किया जा रहा था, तो एक समस्या सामने आई। सिद्धांत के मुताबिक सभी कणों में द्रव्यमान नहीं होना था, लेकिन उस स्थिति में वो प्रकाश की गति से चलते थे और किसी ठोस पदार्थ का गठन नहीं होता था।
लिहाजा एक नए तरह के कण की आवश्यकता थी जो सभी कणों को द्रव्यमान देता था, जिसे ब्रह्मांड का गठन होता, और वो नया कण बोसॉन था। इसका नाम एडिनबर्ग के पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स बोसॉन रखा गया। लंबे समय तक शोध के बाद हिग्स बोसॉन जुलाई 2012 में सर्न के विशाल हैड्रॉन कोलाइडर में खोजा गया। बोस ने दुनिया के कई हिस्सों का दौरा कर अपना शोध प्रस्तुत किया और भारत में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों के विकास में सक्रिय भागीदारी की, ताकि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की मजबूत बुनियाद पड़ सके। वो कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अध्यक्ष तथा सलाहकार थे, जैसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, एशियाटिक सोसाइटी तथा कई अन्य। बोस महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर से कई बार मिले। टैगोर ने बंगाली भाषा में विज्ञान पर अपनी इकलौती पुस्तक विश्व परिचय बोस को समर्पित की। टैगोर से प्रेरित होकर उन्होंने 1948 में उत्तरी कलकत्ता में बंगीय विज्ञान परिषद का गठन किया, ताकि आम लोगों में बुनियादी वैज्ञानिक ज्ञान की जानकारी उनकी भाषा में दी जा सके। आचार्य बोस, 25 साल पहले बंगीय विज्ञान परिषद के गठन के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? उस वक्त हम तुरंत स्वतंत्र हुए थे, लिहाजा हमने देश में विज्ञान की जानकारी फैलाने का निश्चय किया, ताकि देशवासी विज्ञान का योगदान समझ सकें, वो विज्ञान और उद्योग की जरूरत समझ सकें और अपने रोजमर्रे की जिंदगी में उनका इस्तेमाल कर सकें। इस तरह शिक्षा की एक नई व्यवस्था पैदा हो सके। मोदेर गौरव मोदेर आशा आमोरी बांग्ला भाषा मोदेर गौरव। मशहूर अभिनेता भानुवंत उपाध्याय तथा प्रमतेश बरुआ, जो भारत की एक प्रमुख फिल्मी हस्ती थे, एसएन बोस के छात्र थे। ये बुलबुले थर्मोगैस के बुलबुले हैं, ये धरती के अंदर से पैदा हो रहे हैं। इनकी गहराई हजारों फीट है। धरती के भीतर स्थित विभिन्न गैसों के साथ हीलियम भी बाहर आ रहा है। सवाल ये है कि हीलियम का स्रोत क्या है? ये हीलियम कहाँ से आ रहा है? हे भगवान, इसका स्रोत धरती माता है। कई जगहों पर धरती के भीतर से गैस निकलती है, लेकिन प्राकृतिक गैसों का 1.8% हिस्सा हीलियम का होना रोमांचक है। ये एक स्थिर गैस है तथा कई कारणों से प्रभावशाली है। इसके कारण इस पानी में स्नान करने से मनाही नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं। और ये दिलचस्प कहानी की शुरुआत है। वैसाख महीने में समग्र चटर्जी तथा देवाशीष घोष इंग्लैंड से कलकत्ता आए। समग्र चटर्जी के लिए ये दिलचस्प अनुभव था। उन्होंने स्वयं कहा कि ये पूरा क्षेत्र हीलियम के ऊपर बसा हुआ है। जैसा मैंने बताया कि जब तक ये प्राकृतिक गैस बॉम्बे पहुंचता है, तब तक पूरा हीलियम गैस उड़ जाता है। उन्होंने पाया कि यहाँ हीलियम गैस मौजूद है और इस तरह ये कहानी शुरू हुई। 1954 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसी साल उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। 1956 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्व भारती का उपकुलपति नियुक्त किया गया। ५८ में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का सदस्य चुना गया।
1959 में उन्हें भौतिकी का राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उनका दफ्तर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में था। बोस अपने परिवार, मित्रों तथा छात्रों के साथ बेहद साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनका 80वां जन्मदिन धूमधाम से कई बच्चों और जानी मानी हस्तियों ने मनाया। इसके अगले महीने उनका देहांत हो गया। इसके साथ ही विज्ञान की दुनिया में एक शून्य पैदा हो गया जिसे भरना मुश्किल था। उनके सम्मान में बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय ने एक म्यूजियम के साथ बोस सेंटर की स्थापना की, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उनके प्रसिद्ध पत्राचार के खत तथा कुछ व्यक्तिगत सामान रखे गए हैं। बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात बांग्लादेश सरकार ने प्रोफेसर बोस को अपने स्वतंत्रता संग्राम का मित्र बताया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनकी याद में कलकत्ता में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज स्थापित किया। उनके परिवार ने उनके कई व्यक्तिगत सामान कलकत्ता में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज तथा बोंगीय विज्ञान परिषद को उपहार में दिए हैं। जीवन के आखिरी दिनों में वो अक्सर अंकों की लंबी श्रृंखला की गणना करते थे। इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। वो न्यूटन की तरह एक अद्भुत दिमाग के मालिक थे और एक ऐसे यायावर थे जो गहरी सोच के समंदर में तन्हा सफर करता रहा।